नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर में टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा, सिसोदिया पावरफुल, गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित, अब सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। उधमपुर में रहने वाले दीपू को आतंकियों ने अनंतनाग में मारी गोली। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी, कहा हमने हर फैसला लोगों की भलाई के लिए लिया। पार्टी का आज से महाजनसंपर्क अभियान। मणिपुर सीएम के साथ अमित शाह ने की मीटिंग। वहीं सेना ने 2000 लोगों को हिंसाग्रस्त इलाके से निकाला। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ राजद्रोह का केस। अमृतसर से कटरा जा रही बस खाई में गिरी, एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत, 12 घायल, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। सचिन पायलट अब नहीं करेंगे आंदोलन, अल्टीमेटम खत्म होने से पहले। गहलोत पायलट में सियासी सीज फायर, दोनों ने हाईकमान पर छोड़ा फैसला। अरविंद केजरीवाल आज करेंगे सीपीएम हेडक्वार्टर में सीताराम येचुरी से मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। यासीन मलिक को फांसी देने की मांग। एनआईए ने हाईकोर्ट में कहा, ओसामा यहां होता तो उसे भी बहस का मौका मिल जाता। एयर इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, हर महीने 550 कैबिन क्रू मेंबर्स और 50 पायलटों को भर्ती कर रही एयरलाइन। नाटो समिट को लेकर बोले चीन के विदेश मंत्रालय, कहा नाटो से दूर रहे जापान, इतिहास से सबक सीखे जापान के प्रधानमंत्री। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।